हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज है दीदी की हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी स्कूल आके विश करके सुबह स्टोरी डाल के गई है इंस्टाग्राम पे। तो आज बहुत धमाल होने वाला और आज जीआई ने सरप्राइज बोला था, सरप्राइज ही दिया है, वो हम बताएंगे आपको ब्लॉग के एंड तक। क्योंकि एक सरप्राइज उन्होंने अभी कॉल उनको विश करने के लिए किया था, उन्होंने एक चीज बम का धमाका किया है। अब हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे। तो तैयारियां करते हैं, बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए। आज सबसे फिर मिलेंगे, गेट टुगेदर होगी। और आज कुणाल ने एक चीज अभी क्लिप दिखाई सुबह सुबह ना, ये मेरे को दिखा रहा था खुश करने के लिए कि ये देखो आपकी रेसिपी से ना मैंने चीज ऑमलेट बनाया है। और चीज ऑमलेट बनाया, प्लेट इतनी सुंदर, सब कुछ इतना सुंदर। क्रेजी फैम आपको ये देख लो, ये हमारा बच्चा है चीज ऑमलेट जिसमें चीज डलता है। इनको नाम मैं ऐसे फैंसी दे देती हूँ ना तो ये सोचते हैं क्या हो गया। तो उसके अंदर अंडा ऑमलेट, उसके अंदर से ना ये जो है ना, इसकी क्लिप आप देख लो तो बिना नहाए दो, इतना क्यूट लग रहा है। प्लेट इतनी सुंदर, आप प्लेट को कुणाल समझिएगा और कुणाल को प्लेट समझिएगा प्लीज, ये दरखास्त है। देखो क्रेजी फैम, चाची की रेसिपी से बनाया है चीज ऑमलेट। थोड़ा सा जल गया लेकिन टेस्ट अच्छा होगा पक्का। क्लिप लग चुकी होगी यहाँ पे, थोड़ा सा जल गया था बट ट्राई करता है ये बच्चा भी, और ये बच्चा भी ट्राई करता है और खा आके तारीफ करता है। थैंक यू बेटा। क्रेजी फैम अब शुरू हो गई है पैकिंग, ये नीचे गिफ्ट है, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। हाँ, पहनेंगे तब दिखाएंगे आपको। और ये पता है क्या, पता था पहले से, पर पैकिंग हम लास्ट डे करते हैं। जैसे मैंने पूछा है कि छुट्टियों की महारानी से कि क्या हो गया, क्या बोला फिर उन्होंने, कुछ नहीं आके बोली आंटी तेरी तबीयत ठीक नहीं, हेलो कर दो। हेलो क्रेजी फैम, जल्दी ढूंढो यार, मिली ये रही, कहां ये इसको, और इतनी देर से ये नीचे ऐसे घूमे जा रहा है। सॉरी कुणाल, थैंक यू मेरा बच्चा। क्रेजी फैम एक्चुअली ना ये कानों में मैंने पहने थे ना, तो आज मैंने कहा चल शाम को जाना है तो थोड़ा बड़े इयर रिंग्स पहन लूंगी। मेरे को ना बालियाँ अच्छी लगती हैं क्रेजी फैम, आप बताना किस किस को अच्छी लगती हैं। यार मैं रियल सेल्फ में आ गई, मैंने इतने टाइम बाद पहने हैं, थैंक यू भैया। ये यार बहुत अच्छी चीज़ है, वो पेस्टिंग वाली ना, कोई स्टिचेस नहीं आए, कुछ नहीं आया, थोड़ा टाइम रुकी पर क्या हो गया आवाज की। तो पार्टी अभी सना आने वाली है और सना को ना बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आज क्या हो। सना आ गई आज बहुत जल्दी, सना दिल्ली सरप्राइज। यस गेस कर, आज तेरे को पता ना क्या है, तीज हुआ क्या एनिवर्सरी, तो हम बाहर जा रहे हैं, इट्स पार्टी टाइम। ओए होए, नहीं रोटी खा ली थी आपने स्कूल में, आज क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही है, क्या थोड़ी दूर खड़े होने दो, क्या हुआ यार स्कूल में ना, बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई मतलब, जब नीचे गिर गई ऐसे होके, कुछ खाए भी नहीं, कुछ खाए भी नहीं तो क्या होगा। कैसा लगा आपको रोटी? शॉर्ट टेस्ट देगा दम आलू का, क्या इन आलू में दम है देखते हैं। बहुत दम है। अब मिलते हैं आपको शाम को, ट्रांजिशन बनाएंगे, हाँ रेडी होके मिलते हैं। क्रेजी फैम हो चुके हैं रेडी, ट्रांजिशन आप देख ही चुके होंगे, शॉर्ट्स में आ जाएगी। और सना देखो, सना और मैं नीचे था इसलिए अच्छी चीज है, मैं आ गई इसलिए ये दोनों पहले आ गए। तो अब चलते हैं केक लेना, रास्ते में लेट हो रहे, दीदी और चल चुके हैं, चलो और भूख लग रही है बहुत ज्यादा, मिलते हैं। चलिए क्रेजी फैम चल पड़े हैं, अब चलते हैं केक लेने, लेट ही ना हो जाए दीदी, मुझे यही कह रहे थे, कह रहे लड़की वाले तो पहले ही पहुंचेंगे ना। भैया केक दे दो जरा जल्दी, केक चलो भैया ने बना दिया है केक, केक लेके आप पहुंचते हैं गाड़ी में। क्रेजी फैम आ चुका है केक, अभी क्लियर दिखा नहीं, नाम वाम तो ठीक ही लग रहा है क्योंकि ना थोड़ी फ्रॉस्ट आई हुई थी, फ्रॉस्टिंग होती है ना, तो क्योंकि रखा हुआ था फ्रीजर में, पहले मैंने बोला था 4 o'clock लूँगी बट अब लेट का हमारा प्रोग्राम हो गया था, तो अब चलते हैं लेट, रास्ते में ट्रैफिक ना हो जाए, फटाफट केक लिया है। और ये भैया ने कितने स्वीट हैं, उन्होंने ये बोली ना, ये बोली कैंडल्स ऐसे ही दिए हैं हमें, एक होता ना कि टोकन ऑफ लव होता है ये, तो शॉप से जब भी कुछ ऐसा ऑर्डर करती हूँ तो और आगे अब तो हमारे ब्लॉग्स भी देखने लगे हैं, पहले उनके पास टाइम नहीं होता था, उन्होंने इतना सीरियसली लिया भी नहीं था, अब तो कहते हैं मैं डेली लंच करता हूँ तो आपका लंच बॉक्स का टिफिन आ जाता है मेरे सामने। बड़ा अच्छा इनका तो ट्रफल, ऐसा ट्रफल मैंने नहीं खाया आज तक, बहुत ही अच्छा ट्रफल। ये देखिए पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पे, पर मिस्टी मैन कह रहा था कि ये देखो ये है ना, ये एलिया करके जो है ऊपर यहाँ पे लगाई जाएगी गाड़ी वैले में, बड़ा बहुत बड़ी अच्छी जगह पे है, कोई पार्किंग का इशू नहीं है क्योंकि वैले पार्किंग है तो कोई चक्कर ही नहीं है। वो ऊपर चल के पहली बार ही जा रहे हैं
तो देखते हैं, क्योंकि जब हमने खुशी का बर्थडे का वेन्यू था ना, तो तब लगा था कि यहाँ पे ये भी है, तो आज हमें लगा ट्राई कर लेते हैं। क्या जी, आप कौन सी पी रहे हो? पता नहीं कौन सी, जो भी है कैसी है? अच्छी है, बहुत स्वाद। ब्लडी मैरी। आपने कौन सी पी है? मैंने उसका नाम बड़ा जीत का, सॉरी। ये ट्राई करो अभी जो नई पड़ी है। हाँ। बताओ मस्त इधर जगह को रेटिंग 10/10 बहुत अच्छा जगह को रेटिंग 10/12 और अभी तक ड्रिंक्स की 10/10 है ना ये सारे हमारा वो कर रहे हैं। हेलो कर दो। बहुत अच्छा एम्बियंस है, खाना आएंगे और रिव्यू देंगे आपका। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। अब तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हां, अभी बस अच्छा बहुत चीजें आ जाएं। हां, स्टार्टर्स खाना शुरू कर। सना अभी तक खाना बहुत सना चिली पोटैटो नाइस हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। तेज बोलो। मैं खा रहा हूँ इधर का सबसे स्पेशल डिश है वुड फायर पिज्जा, बहुत बढ़िया। अभी तक सो फार सबसे बेस्ट चीज क्या लगी? सब कुछ अच्छा है। ये आ गया सीख, ये बरेली के सीख मटन का है। अच्छा, ये चारकोल चिकन टिक्का, ये कैसा लगा? इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा है। सीख का टेस्ट देगी जो सीख की दीवानी है। मेल्टिंग माउथ है। कैसा लगा? करीब के बाद यहां का बेस्ट है। चिली फिश कैसी है? बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ बढ़िया है। सीख कैसा? खुशी कैसा लगा खाना अभी तक सारा? अच्छा है। कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया बढ़िया। आपको? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी कैसा लगा खाना आपको? अच्छा लग रहा है, वैसे गर्मी भी नहीं लग रही है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, स्टाफ बहुत अच्छा है। ऑल थैंक्स टू मिस्ट्री मैन जिन्होंने जगह बताई। मिस्ट्री मैन और ये आ गया, और ये चारकोल चिकन टिक्का इधर का बहुत मस्त है, बहुत सॉफ्ट। पिज्जा भी बहुत मस्त है और सीख कबाब तो मेल्ट हो रहे हैं। सब गजब, सब गजब, सब गजब। ये देखो ये भैया सेवा भी बहुत कर रहे हैं। भैया अपना नाम भी बता दो। सर माय नेम, सर मेरा नाम तेज सिंह है। हेलो कर दो हमारी। हेलो हेलो गाइस। सर ये फिश लास्ट रह गई थी, अब इसी के साथ सारा स्टार्टर्स खत्म होते हैं, मतलब सारे टेस्ट कर लिए। एक होता है ना दुल्हन को तैयार हुए देखिए, बहुत बढ़िया है। अभी खाना आएगा तो देखते हैं कि खाना तो अच्छा ही होगा यार, स्टार्टर्स अच्छे हैं तो है ना। मेन कोर्स अच्छा है मैम, इंडिया वेजिटेरियन पिज्जा है। ये देखो वुड फायर पिज्जा, ये हमारा पिज्जा जो होता है हैंडमेड होता है, हाथ से ही बनाते हैं इसको, जो अच्छा। इन करा पानी दुकानों से नहीं है, हैंडमेड बनाते हैं इसको, प्रॉपर हैंडमेड बनाते हैं इसके ऊपर। और यहाँ की स्पेशलिटी है, और ये भैया ने बोला था ये जरूर रखवाना, बहुत अच्छा है। तो ये देखो पिज्जा कितना टेम्पटिंग लग रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। रोमांटिक मूवमेंट चल रहा है यहाँ, ये देखो पसीना साफ करा जा रहा है। और इन्हें कोई ड्रिंक मंगवाइए, कैसी है? मैं पीऊंगी। ये गन्ने का जूस है क्या? गन्ने का जूस है।
मेंट कूलर पीके बताइए ये देखो जब ऐसे मॉल में आप ये बड़ी उम्र की लेडीज को ले आते तो कहते बैठी हो घर जाके पूछूंगी इसको मजा आया कि नहीं आया लग तो नहीं रहा उनकी शक्लों से तूने मेरे जाना सारे खाना खाने बैठ रहे हैं ये है नूडल चिली गार्लिक नूडल्स दाल मखनी पनीर लबाबदार भी बहुत कुछ है उधर है तो चिल्ला क्यों रहे हो वो अपने बर्थडे पे भी सबको रिटर्न गिफ्ट दे रही है एनिवर्सरी यार सेम थिंग भैया का बर्थडे का गिफ्ट ओ ओके पेंडिंग गिफ्ट था पेंडिंग गिफ्ट था और हो गया इसी के साथ बहुत मजा आया इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल रेड प्रेस द बेल आइकन पीस